हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी होम कुक्ड। मैं अरुणिमा और मैं आज शेयर करूंगी कैसे आप इजीली घर में बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वो भी विदाउट एग एंड विदाउट ओवन की। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम 8 बिस्किट ले लेंगे, मेरी बिस्किट कोई भी ले सकते हैं, और 3 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लेंगे। हमने बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है, अब उसमें हमने मेल्टेड बटर को ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिस्किट की कोई भी पोर्शन विदाउट बटर ना रह जाए। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक 6 इंच का कोई भी केक टिन ले ले, जो कि ना नीचे से या साइड से रिमूवेबल हो, और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे। और अब बिस्किट का मिक्सचर जो है वो हम डाल देंगे। अब उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से उसको टैप कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। इस तरह स्पून से दबाने से ये अच्छे से सेटल हो जाते हैं। अब इसको 30 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। अब एक बाउल में 200 ग्राम क्रीम चीज ले लेंगे। किसी भी स्टोर में अवेलेबल है ये क्रीम चीज, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। अब उसमें 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर आता है और इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अब एक बड़ा बाउल में 1 कप व्हाइपिंग क्रीम ले लिया और उसको 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। अब उसके बाद 3-4 टेबलस्पून उसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ना ये फोमी हो जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून श्योर क्रीम डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसमें क्रीम चीज का मिक्सर डाल देंगे। जब क्रीम चीज डाल देंगे तो इसको हम फिर से बीट नहीं करेंगे, ऐसे ही मिक्स करते रहिए और अच्छे से मिक्स हो भी जाएगा। अब इसको हमने ठंडा हुआ केक टिन में डाल देंगे। अब एक स्पैचुला से वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और एक लेबल बना लेंगे। अब सेट हो गया है। अब इसको 4-5 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब उसी टाइम में हम स्ट्रॉबेरी सॉस बना लेंगे। उसके लिए हम स्ट्रॉबेरी को ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। हमें 1 कप चॉप स्ट्रॉबेरी चाहिए होगा। चॉप कर लिया है, अब एक पैन में डाल देंगे और ऊपर से 2 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे और हीट हमेशा लो टू मीडियम रहना चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिकली पानी रिलीज करेगा और उसी में ये स्ट्रॉबेरी अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस के लिए 4-5 मिनट्स लगेगा। जब स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी इसको अच्छे से स्मैश कर लेंगे। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब 5 आवर्स के बाद हम टिन को निकाल लिया है और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस को डाल देंगे। गरम बिल्कुल मत डालिए, जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तभी यूज़ करेंगे। हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, हल्के से स्प्रेड करने के बाद अब इसको 30 मिनट के लिए और एक बार फ्रिज में रख देंगे। और 30 मिनट के बाद इसको निकालिए फिर से और इसको अनमोल्ड कीजिए और सर्व कीजिए। आप इसे घर में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा ये डेजर्ट।
स्पेशली मेरा फेवरेट है। इसमें हम जिलेटिन भी नहीं डाला है, तब भी देख सकते हैं हमारा चीज़ का कितना स्टेबल बना है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक बाय बाय।